हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम जसराज और आप देख रहे हैं जसोल कंप्यूटर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको डीजीपे की एक नई प्रॉब्लम आ गई है। इसका क्या सॉल्यूशन है, 1 मिनट के अंदर अपन सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डीजीपे आप ओपन करते हैं तो AUA लाइसेंस की एक्सपायर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है और ये हमारे को प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार से डीजीपे के नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें और सबसे पहला अपडेट आपको हमारे चैनल पर ही मिलता है। तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं डीजीपे, dgpe.cseCloud.in। ये डीजीपे की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको डीजीपे ऑफिशियल वेबसाइट ही यूज करनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर डाउनलोड डीजीपे पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डीजीपे 6.6, यानी ये न्यू वर्जन आ गया है। तो हम यहाँ पर विंडोज के लिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा ये डीजीपे है, न्यू डीजीपे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर ये 63 MB का सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका जो इंटरनेट की स्पीड पे निर्भर करेगा, ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर कितना जल्दी डाउनलोड होता है। तो ये डाउनलोड होने के बाद मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। जब तक ये डाउनलोड होता है, तब तक आपको पुराने वाले डीजीपे को अनइंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ पर सिस्टम के अंदर सर्च करते हैं कंट्रोल पैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर डीजीपे को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर डीजीपे 6.5 है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, अनइंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, यस कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर यस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से ओके कर लेते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देना है और इसको भी मिनिमाइज कर देना है। और आपको यहाँ से सबसे पहले माई कंप्यूटर या जिस पीसी ओपन करना है, आपके विंडोज के हिसाब से अलग अलग लिखा हुआ आ सकता है। फिर आपको यहाँ पर सी ड्राइव को ओपन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर सी करने फोल्डर है, इसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है या रीनेम कर देना है या कॉपी पेस्ट कर देना है। इसके अंदर हमारी जो फाइलें होती है, जो अपन ट्रांजेक्शन करते हैं, वो लॉग के अंदर हमारी रिसिप्ट फाइलें होती है, इसको अगर आपको सेव रखना है तो इस फोल्डर को आप कहीं से कॉपी करके रख सकते हैं, या फिर ये आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से अगर ये डिलीट नहीं होता है तो आपको अपना सिस्टम है ये रीस्टार्ट कर लेना है। अगर यहाँ से नहीं होता है तो हमारा ये डीजीपे मैंने यहाँ ओपन कर रखा है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा डीजीपे फोल्डर है, ये डिलीट हो गया है। उसके बाद में आपको वापिस डीजीपे को इंस्टॉल करना है। तो इस वीडियो को आप इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर आपका डीजीपे डाउनलोड हो जाता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका डीजीपे ओपन हो जाएगा। उसके बाद में राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल फाइल कर देना है और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका डीजीपे है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपको न्यू डीजीपे इंस्टॉल करना है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डीजीपी का न्यू वर्जन है। इसके अपन ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर रन एस एडमिनिस्टर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रन पे क्लिक करते हैं और ये जैसे ही अपन यहाँ पर रन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डीजीपी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर इस प्रकार से पॉपअप आता है तो आपको यस कर देना है। ये पॉपअप जो आता है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान यहाँ पर शो नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर क्रिएट ए डेस्कटॉप शॉर्टकट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। तो हमारे ये डीजीपे है सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अंदर हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई भी आपको दिक्कत आ जाती है तो आपको अपना एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर फिनिश पे कर लेना है और यहाँ पर ये यह लंच डीजीपे ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद में अपन इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर डीजीपे को ओपन करके देखते हैं कि हमारे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है या हमारा सिंपल तरीके से डीजीपे ओपन हो रहा है। तो हमारा डीजीपे ओपन हो गया है। अब अपन यहाँ पर CSCID है वो लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर राइट करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक किया और यहाँ पर इस प्रकार से पहले जैसे ही ऑप्शन आ गया है, तो हम यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP भेजते हैं, गैर OTP पे क्लिक करते हैं और अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आ जाएगा। OTP डालने के बाद में अपन आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं, यहाँ टिक करते हैं, ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते हैं,
उसके बाद में यहाँ पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस है, ये हमने लगा दिया है और हमने बायोमेट्रिक भी रख दिया है। अब हमारा बायोमेट्रिक यहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद में डीजीपे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा डीजीपे बिल्कुल ओपन हो गया है और यहाँ पर 6.6 वर्जन है। तो यहाँ पर हमारे को न्यू कोई भी प्रॉब्लम है अभी तो न्यू इंटरफेस तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अपन यहाँ पर यूज करेंगे तो हमारे को पता चलेगा कि इसके अंदर न्यू क्या चीज अपडेट हुआ है। और यहाँ पर डिपॉजिट भी आ रहा है, यहाँ पर सभी बैंकें पहले की तरह ही आ रही है, बाकी इसमें कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर कुछ बग्स को फिक्स किया गया है या फिर और क्या चेंजिंग किया गया है तो यूज करेंगे तो पता चलेगा। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको न्यू डीजीपे इंस्टॉल करने के बाद में क्या चेंज देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।